हेलो एवरीबॉडी वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास ट्वेल्व के स्टूडेंट्स के लिए एंड क्लास ट्वेल्व के स्टूडेंट के लिए हमने पास पेपर सोल्यूशन करना स्टार्ट किया हुआ था ये है ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर सी बोर्ड एज वेल एंड हमने इसके कुछ क्वेश्चन प्रीवियस क्लासेस में कर लिए थे आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फाइव एंड क्वेश्चन नंबर फाइव इज रिलेटेड टू इश्यू ऑफ डिबेंचर्स लेट्स सी

issued by fully paid 7% debentures at a premium of rupees 10%. The assets and liabilities of Rainbow Limited consists of fixed assets हैं six lakh fifty thousand की और sundry creditors से eighty thousand की. तो जब भी किसी business को take over किया जाता है और बदले में कोई securities issue करी जाती है वो shares हो सकते हैं या debentures. तो हमें ये वाला टाइप का क्वेश्चन करना होता है आपसे पूछा गया है यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड जी लिमिटेड इज अ बाइंग कंपनी एंड वेंडर कंपनी है हमारी यहाँ पर ये रेनबो लिमिटेड सो लेट्स सी सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा हमें बिजनेस टेक ओवर के लिए एंट्री पास करनी होगी बिजनेस टेक ओवर की एंट्री जब पास करी जाती है तो सारी के सारी एसेट्स ऑफ वेंडर कंपनी हमारी हो जाती है और उनकी लाइबिलिटी भी हमारी हो जाती है एसेट्स को हम लोग लिख देते हैं डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में जाकर के हम लोग लिख देते हैं लाइबिलिटीज़ एंड क्रेडिट साइड में एक और चीज लिखी जाती है विच इज परचेस कंसिडरेशन परचेस कंसिडरेशन जो कि हम वेंडर कंपनी को देंगे Let's see what is written over here. यहां पर आपको पहली एंट्री दिखाई दे रही है सिक्स लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का हमने एसेट एक्वायर करी है लाइबिलिटीज़ ली हैं 80,000 की एंड सिक्स लैख सिक्सटी थाउजेंड के लिए हमने परचेस कंसिडरेशन एग्री किया है अब हम यहाँ देखें तो ये वाला साइड और ये वाला साइड मतलब डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड टैली नहीं करेगा तो जो डिफरेंस है वो बैलेंसिंग फिगर है और बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड में होता है तो गुडविल होता है यही बैलेंस अगर क्रेडिट साइड में आ जाए तो इसे हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व मतलब कंपनी परचेस करने पर हमें फ़ायदा हो गया है ये जो गुडविल अकाउंट है इसे हमें यहाँ ओपन करना होगा अब हमने परचेस कंसिडरेशन को कैसे डिस्चार्ज किया हमने कुछ अमाउंट के लिए तो प्रोमिसरी नोट दिया ये देखिए सिक्स लाख सिक्सटी थाउजेंड के लिए पहले हमने रेनबो कंपनी को अपना क्रेडिटर बनाया फिर रेनबो कंपनी को हमने डेबिट किया और पहले हमने बिल्स पेबल दे दिया थर्टी थ्री थाउजेंड का ये थर्टी थ्री थाउजेंड का अमाउंट कैसे आया ऊपर चल के देखते हैं क्या ये अमाउंट डायरेक्टली दिया है नहीं ऐसा लिखा गया है ड्रॉइंग बाई प्रामिस नोट फाइव परसेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन तो फाइव परसेंट किसका फाइव परसेंट फाइव परसेंट ऑफ सिक्स सिक्सटी थाउजेंड तो ये जो अमाउंट आया है ये सिक्स सिक्सटी थाउजेंड का फाइव परसेंट है ये देखिए ये फिर उसके बाद हमने डिबेंचर्स इशू किए डिबेंचर कितने अमाउंट के लिए इशू किए गए होंगे सिक्स लैख सिक्सटी थाउजेंड का हमारा परचेज कंसिडरेशन था जिसमें से थर्टी थ्री थाउजेंड रुपीज़ के हमने क्या कर दिए प्रोमिसरी नोट इशू कर दिया तो बचा है सिक्स लाख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड और उसके लिए हमने हंड्रेड एंड टेन रुपीज़ का एक डिबेंचर इशू किया मतलब फिफ्टी सेवन हंड्रेड डिबेंचर हमने इशू किए ये वाला पार्ट जो है आपको ज़रूर से वर्किंग नोट में करके बताना है जो कि यहाँ नहीं लिखा गया बट यू हैव टू डू इट सो ये फाइव लैख सेवेंटी थाउजेंड का अमाउंट कैसे आया ये हमें बताना है फाइव लैख सेवेंटी थाउजेंड यहाँ जाएगा एंड फाइव सेवेंटी थाउजेंड सॉरी फाइव सेवन था 5,700 का अमाउंट जो है मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो यहां आ जाएगा फाइव लैस सेवेंटी थाउजेंड एंड टेन रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्रीमियम ओके तो सिक्योरिटी प्रीमियम के रिजर्व का अमाउंट आप यहाँ पर लिख देंगे अब एक बात ध्यान रखिए कि बहुत सारी बार ये जो डिबेंचर्स के क्वेश्चन होते हैं या इश्यू ऑफ शेयर से क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर सारी जनरल एंट्रीज करनी होती है बहुत सारी बार बच्चे जनरल एंट्रीज तो पास कर देते हैं लेकिन नरेशन लिखना भूल जाते हैं आपको याद रखना है भले ही दो एंट्री पास करें एक एंट्री पास करें फाइव कॉलम का फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्री आपको पास करना है विच इज़ डेट पर्टिकुलर एफ अमाउंट एंड अमाउंट एंड साथ ही साथ आपको नरेशन लिखना है नरेशन के एडिशनल मार्क्स कोई नहीं है लेकिन नेगेटिव मार्किंग हो सकती है आपके मार्क्स जा सकते हैं तो आपको नरेशन छोटा सा क्रिस्प नरेशन लिख के आना है बट नरेशन लिखना स्किप नहीं करना है चलिए तो ये हो गया हमारा पार्ट वन ऑफ द क्वेश्चन अब देखते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था ये चार नंबर का क्वेश्चन था दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन का है उन्होंने बताया है ऑन फर्स्ट अप्रैल 2016 थाउजेंड सिक्सटीन द फॉलोइंग बैलेंसिस अपियर्ड इन द बुक्स ऑफ शिखर लिमिटेड टेन परसेंट डिबेंचर थे फोर्टीन लाख ,00 के प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर दिया हुआ है एंड डिबेंचर रिडम्शन रिजर्व दिया हुआ है ठीक है डिबेंचर रिडम्पन रिजर्व है सेवेंटी फाइव थाउजेंड का डिचर्स व रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ टेन परसेंट इन टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब कि एक एक इंस्टॉलमेंट जो रही होगी वो सात सात लाख रुपए रुप की रही होगी बिगनिंग फ्रॉम थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कम्पनीज एक्ट टू The company transferred the balance amount to debenture redemption investment on.

जबकि अब ये चेंज हो चुका है अब ये हो चुका है टेन परसेंट डीआरआई में जो अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है वो है टेन परसेंट एंड डी आर आर मतलब कि डिबेंचर सॉरी डी आर आई में जो अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है वो है पंद्रह परसेंट डी आर आई डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अभव होता है पंद्रह परसेंट एंड डी आर आर होता है टेन परसेंट और ये किन कंपनीज़ को करना होता है अगर मैं बात करूँ डी आर आई की तो सारी अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन NBFC एन बी एफ सी एन एच एफ सी एंड साथ ही साथ लिस्टेड कंपनीज़ और लिस्टेड कंपनीज़ जो होती हैं सारी लिस्टेड कंपनीज़ को पंद्रह परसेंट का डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट बनाना होता है जबकि डी आर आर की बात करें तो ओनली अनलिस्टेड कंपनीज वो भी कौन सी वाली अनलिस्टेड कंपनी द कंपनीज विच आर नॉन एन बी एफ़ सी एंड नॉन एच एफ़ सी कंपनी एन बी एफ सी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड एच एफ़ सी मीन्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी उनको बनाना होता है टेन परसेंट का डी आर आर दे कैन मेक द डी आर आर ऑफ हंड्रेड परसेंट ऑल्सो तो ये ट्वेंटी फाइव परसेंट वाली जो बात है इसे हमें यहाँ पर चेंज करके इस क्वेश्चन को करना होगा तो आप मेरे साथ ध्यान से इस क्वेश्चन को कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर चेंजेस रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में हम लोगों को चेंजेस करके करना है चलिए तो करना शुरू करते हैं यहाँ पर ये जो मैंने लिखा हुआ है इसे मैं हटा देती हूँ देखिए सबसे पहले मुझे देखना है कितने डिबेंचर्स थे हमारे पास जो डिबेंचर्स थे डिबेंचर्स का अमाउंट हमारे पास है 14 लाख ,00 आउटस्टैंडिंग ओके okay. 14 लाख ,00 डिबेंचर्स हमारे पास आउटस्टैंडिंग थे तो 14 लाख ,00 का हमारे पास जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में अमाउंट होना चाहिए वो होना चाहिए वन लैख फोर्टी एक्चुअली उतना ही अमाउंट हमारे पास रखा हुआ है तो ये जो पहले वाली एंट्री है यहाँ पर क्योंकि ट्वेंटी की रिक्वायरमेंट थी इसलिए उन्होंने एक एंट्री करी है हमें इसको स्किप कर देंगे हम ये एंट्री नहीं पास करेंगे क्योंकि हमें 15% परसेंट की ये जो 25% परसेंट की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी रिक्वायरमेंट है 10% परसेंट की ही ठीक है इसके बाद ये जो डेट्स है अब जो डेट्स है बोर्ड ने काफ़ी फ्लेक्सिबल कर दिया है जिस दिन डिबेंचर्स का रिडम्पशन होता है उसी दिन हम डिबेंचर्स के लिए डी बना सकते हैं और सेम डे पे रिडम्पशन भी हो सकता है बट सिंस इन दिस क्वेश्चन डेट्स दी गई हैं तो चलिए हम थर्टियथ अप्रैल लिख लेते हैं और यहाँ पर होता है पंद्रह ओके एंड वो भी डिबेंचर आउट तो सात लाख रुपये के डिबेंचर्स को रिडीम किया जा रहा है पहले साल में सात लाख का पंद्रह अगर निकालेंगे तो एक लाख पाँच आ रहा है वो सेम है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है डिबेंचर रिडमशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैक फिर उसके बाद हमने डिबेंचर्स तो बहुत सारे बच्चे इसे यहां पर भूल जाते याद रखिए क्योंकि हमें डिबेंचर्स होल्डर को एक्सेस मनी पे करनी है हम उसे रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे तो उसे आपको यहां दिखाना ही पड़ेगा याद करिए जब हम इश्यू ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन करते हैं हम लिखते हैं प्रीमियम के ऊपर इशू करते समय दो जगह इसका हम लोग रिकॉर्डिंग uh, करते हैं एक तो लिखते हैं डेबिट साइड पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और क्रेडिट साइड में भी हम लिखते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट वहाँ क्लोज नहीं होता है लॉस तो क्लोज हो जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बैलेंस से लेकिन वो प्रीमियम खुला हुआ रहता है वो कहाँ जाके क्लोज होता है यहाँ पर आकर ये क्लोज होता है जब हम डिबेंचर होल्डर को मनी ड्यू करते हैं तो सात लाख सत्तर हजार रुपए डिबेंचर होल्डर को देने हैं जो कि हमने नेक्स्ट एंट्री में पे कर दिए डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सेवन लैख सेवेंटी हमने जो रिडम्पशन के लिए डीआरआई बनाया था उसे रिडीम कर लिया गया है यहां पर हालांकि इसमें भी चेंजेस आए हैं अच्छा जनरल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ है अच्छा जनरल रिजर्व में यहां पर अमाउंट जाएगा जनरल रिजर्व में हमने अमाउंट डाला था वन लाख फोर्टी थाउजेंड अब इसे चेंज कर लीजिए बच्चों इसे आप कर लेंगे वन लाख फोर्टी थाउजेंड का आधा क्योंकि कि आप सात लाख रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं तो उसका टेन परसेंट हो जाएगा सेवेंटी थाउजेंड रुपीज एंट्री सही है बस एंट्री में से आपको क्या कर देना है आपको वन लैक सेवेंटी फाइव थाउजेंड की जगह सेवेंटी थाउजेंड कर लेना है ये क्या है प्रपोशनट अमाउंट जो कि हमने डी आर आर में रखा हुआ था उसे हम लोग अब ट्रांसफर कर रहे हैं जनरल रिजर्व में एंड वी आर मेकिंग इट अवेलेबल फॉर द शेयर होल्डर्स ओके हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया अब जो हमने डी आर आई बनाया था कितने परसेंट का पंद्रह परसेंट का ऑन द डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग उसे हम लोग क्या कर रहे हैं रिडीम कर रहे हैं मतलब सेल कर रहे हैं तो ये देखिए जो हमने ओरिजिनली एंट्री करी थी डी आर आई टू बैंक उसकी उल्टी उल्टी एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट

अमाउंट जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए उसको इन्वेस्टेड रखते हैं उसे आप लोग सेल नहीं कर देते मतलब कि ये वाली एंट्री हमको नहीं करनी है अब अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इसे हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे क्यों क्योंकि डिबेंचर क्या है इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिडीम हो रहे हैं और सात लाख के डिबेंचर्स को पहले रिडीम किया गया जिसके लिए एक लाख पाँच हज़ार रुपये का डीआरआई बनाया गया अब जो रिक्वायरमेंट है वो ये बोलती है कि इसे सेल मत करो इसको इन्वेस्टेड रहने दो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट भी हो जाएगी क्योंकि दो ही इंस्टॉलमेंट है लास्ट इंस्टॉलमेंट भी हो जाएगी तब उसके बाद इसे हम लोग सेल ऑफ़ करेंगे तो ये वाली एंट्री हम स्किप कर देंगे तो चेंजेस एक बार फिर से नोट कर लीजिए बच्चों कहाँ थे चेंजेस थे कि हमने फर्स्ट एंट्री पास ही नहीं करनी है क्योंकि अब जो रिक्वायरमेंट है वो पच्चीस की नहीं होकर दस परसेंट की रिक्वायरमेंट है ये सारी एंट्रीज ऐसे ही रहेंगी यहां पर अमाउंट हमने सिर्फ चेंज किया वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड की जगह सेवेंटी थाउजेंड का अमाउंट कर दिया इस एंट्री को हमने यहां से हटा दिया अब नेक्स्ट डिबेंचर इंस्टॉलमेंट आ गया सेकेंड वाला उसे भी हम लोग कर लेंगे सेम एंट्री एज फर्स्ट वन सात लाख के डिबेंचर जिनके ऊपर सेवेंटी थाउजेंड का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन देना है वो एंट्री यहां पास कर ली जाएगी ये हो गया सेवन लैख सेवेंटी थाउजेंड रुपीज अब उतना अमाउंट पे कर दिया जाएगा डिबेंचर होल्डर को तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक ये एंट्री भी सही है अब हम लोगों ने प्रपोशनट अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व में जिसका अमाउंट है सेवेंटी थाउजेंड रुपीज क्यों सेवेंटी थाउजेंड रुपीज सात लाख रुपए

देंगे सेल कर देंगे तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू अवर न्यू पैटर्न की ये हमारा नए चेंजेस के साथ अमेंडमेंट के साथ हमने क्वेश्चन पास कर कर लिया है ठीक है सो आई होप स्टूडेंट आपको ये बात जो है समझ में आ गई है कि एंट्रीज़ कैसे पास करनी है और आपको सारे लॉस को याद रखने हैं देखिए इशू ऑफ़ डिबेंचर एंड एंडमशन ऑफ चार्ट रिडमशन ऑफ डिबेंचर रिडम्शन ऑफ डिबेंचर आई एस स्टूडेंट्स को ही है सी स्टूडेंट को तो है नहीं है ये दोनों यूनिट्स मिला के नाइन मार्क्स की है आई स्टूडेंट्स के लिए रिडम्शन ऑफ़ डिबेंचर एंड इशू ऑफ डिबेंचर और बहुत सिंपल है रिपीटेड काइंड ऑफ क्वेश्चन आते हैं इसे अगर आप एक बार अच्छे से कर लेंगे तो भूलने के चांसेस काफी कम है तो इसके ऊपर आप अपना टाइम थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली पार्टनरशिप इश्यू ऑफ शेयर्स एंड बाकी ज्यादा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर तो ज़्यादा समय लगाना है लेकिन इसके ऊपर थोड़ा समय दीजिए क्योंकि यहां पर क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा कर नहीं आ रहे होते हैं दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस तरीके से हम पूरा टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे यहां पर और अगर आपको किसी और टॉपिक में डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके मैं जरूर कोशिश करूंगी कि उसके ऊपर वीडियो बना करके लेकर एंड यस yes, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो एक बार फिर से बोल देती हूं एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलो वी विल मीट वंस अगेन हैव अ ग्रेट डे बाय